Hello students, today we are going to discuss the chapter wise revision of 2 marks carrying question for chemistry paper in 2024 examination. So first of all the best and happy new year to all of you. So start karte hain chapter wise revision. So 2 marks carrying question, first chapter is sadiko solution. And first question is, why the vapor pressure of the solution decreases with non-volatile solute is added into it. So when non-volatile solute is added into the solvent, some of atom of the solvent on the surface are replaced by the solute particle. As a result, the number of particle of solvent decreases and hence the vapor pressure also decreases. Kyodinalki surface पार्टिकल है क्योंकि सल्यूट नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड हो जाता है जिद की है वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. एक चीज़ थोड़ी जी क्लीयर करना चाहवागा, दैट इज़ इन वोलेटाइल एंड इन नॉन वोलेटाइल, दैट कैन बी रिटन. वोलेटाइल अगर देखा जाए आप, दैट इज़ ए वेपर फॉर्मेशन, ठीक है. तो नॉन वोलेटाइल जोड़े हो गए, दैट इज़ द विच आर नॉट वेपर फॉर्मेशन, वेपर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ठीक है. जिन्हें वेपर वोलेटाइल होएगा, इट विन वेपर फॉर्मेशन हेल्प करेगा, इनक्रीज होएगा वेपर प्रेशर, ऑटोमेटिकली इनक्रीज होएगा. नॉन वोलेटाइल दे विच वेपर प्रेशर डिक्रीज होएगा, तो उन्हें की है वेपर भी डिक्रीज होंगे, ठीक है जी. सो इन विच ये क्वेश्चन सी फर्स्ट. सेकेंड है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड टू मीयर द मोलर मास. सो जिस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो ऑस्मोटिक प्रेशर जोड़ा है डिटर्मिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज़ प्रेफर टू मेयर द मॉलिकुलर मास. सो फर्स्ट पॉइंट है, इवन इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू आर अप्रेसिएबली हाई एंड कैन बी मेजर एक्यूरेटली कर सकते हैं आप. सेकेंड, एंड दिस कैन बी मेयर एट रूम टैंपरेचर, ठीक है, रूम टैंपरेचर से भी ये मेयर कर सकते हैं आप. नेक्स्ट है, विच इज़ वट इज़ द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. ऑसमोसिस से डिफ्यूजन का है कि है डेफिनेशन की है. फर्स्ट गल करते हैं, ऑसमोसिस का फिनोमेना फ्लो ऑफ सोलवेंट थ्रू ए सैमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज ए ऑसमोसिस, ठीक है. इधर विच की है सोलवेंट का फ्लो हैगा थ्रू द सैमी परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑसमोसिस. एंड डेफिनेशन of diffusion is the phenomena of movement of particle from high concentration to low concentration is called as a diffusion, ठीक है. सो इसनों फ्लो ऑफ सोलवेंट के नाल कंसीडर किया गया ऑसमोसिस, ठीक है जी. एंड फ्लो ऑफ अगर सल्यूट की गल की जाए, दैट इज़ मूव फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन भी कह सकते हैं आप, ठीक है. तो जोड़े होंगे और डिफ्यूजन है, दैट इज़ अ हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन भी सल्यूट पार्टिकल की जो गल करते हैं, ठीक है जी. दोनों टर्म्स ना डेफिनेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली गल है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की होंगे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है. जेडे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड नहीं करते, ठीक है. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल नहीं डिपेंड करते, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. सो ये वाला टर्म्स ये कि जी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड है, नेचर से नहीं डिपेंड करते, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आप गल करते हैं, व्हाट इज़ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिन्हों आप के बी भी डिनोट करते हैं. के बी है, दैट इज इट इज़ डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर वन मोलर सॉल्यूशन, ठीक है. डेल्टा टी बी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मोलैलिटी, इट ऑल्सो बिकम इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इन टू एम मोलैलिटी, ठीक है. एंड इफ एम इज इक्वल टू वन एंड डेल्टा टी बी इक्वल टू वन आप लिख सकते हैं, ठीक है जी. एंड के बी ऑल्सो इक्वल टू वन, राइट ऑन द यूनिट्स ऑफ के बी, दैट इज ए कैलविन के जी पर मोल और कैलविन पर मोलर और डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. नेक्स्ट है, डिफाइन ए रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर
सोल्यूशन फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शल वेपर प्रेशर ऑफ ए ईच कंपोनेंट इन ए सोल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन। ठीक है कि वो की है कि वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म मल्टीपल द मोल फ्रैक्शन। ठीक है इफ टू एलिमेंट ए सॉल्वेंट एंड बी सॉल्यूट ऑफ द कंपोनेंट एंड पी सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है सो पी ए का भी अपना निकाल लेंगे वेपर प्रेशर तो पी बी का भी अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। ठीक है नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस ओनली वाटर और अनदर सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एनर्जी और कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो एनर्जी और कंसेंट्रेशन। ठीक है जी एंड डिफ्यूजन है सबस्टांस मूव्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाईएस्ट एनर्जी और कंसेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोएस्ट एनर्जी और कंसेंट्रेशन दे विच मूव करते हैं। ठीक है ऑस्मोसिस अकर इन लिक्विड मीडियम एंड डिफ्यूजन कैन अकर इन एनी मीडियम सॉलिड लिक्विड गैसेज कोई भी हो सकता। ऑस्मोसिस रिक्वायर सैमी परमीबल मेम्ब्रेन एंड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर डिफ्यूजन दे विच नहीं है। ठीक है नेक्स्ट गल करते हैं नुमेरिकल दी। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन ए सैंपल ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट विच कंटेन 92% इथेनॉल बाई मास। ठीक है सो इत विच मास ऑफ रेक्टिफाइड जो स्पिरिट है दैट इज़ ए 100 ग्राम मास ऑफ इथेनॉल 92 ग्राम मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 8 ग्राम माइनस करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल दैट इज़ ए 92 मोलर मास ओवर गिवन मास। ठीक है सॉरी गिवन मास और मोलर मास। ठीक है 92 मास गिवन है साडा मोलर मास। ठीक है 2 मोल आ जाएंगे सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर गिवन मास और मोलर मास सो कैलकुलेट करेंगे सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो इतना आप कैलकुलेट करेंगे 0.82 साढ़े को मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी सो नेक्स्ट अपन मेरिकल की गल करते हैं बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म नियरली आइडियल सोल्यूशन एट 313 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन आर 160 mm एंड 60 mm ऑफ मर्करी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक है जी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन तो टोलुइन तो इक्वल है मीनस सेम एक्स वैल्यू हो जाएगी सो मोल फ्रैक्शन आप ईजीली कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स। ठीक है इट विल बिकम इक्वल 1/2। सिमिलरली अगर नम मोल्स फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी निकालेंगे तो वो भी सेम आ जाएगी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ बेंजीन दैट इज इक्वल टू 160 mm एंड टोलुइन दैट इज इक्वल टू 60 mm मरकरी। सो इहदे विच टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीपल मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस टोलुइन दे लई इसे तरह तो टोटल कैलकुलेशन करांगे तो साडे को आंसर आ जाएगा इहदा। नेक्स्ट दैट इज़ ए कमर्शियल अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाई वेट डेंसिटी दिती है 1.10 ग्राम पर मोल कैलकुलेट मोलैरिटी वेट ऑफ सल्यूट 15 ग्राम है वेट सोलवेंट 100 ग्राम है ग्राम मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज 15/98 वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी दैट इज ए मास ओवर डेंसिटी। ठीक है वॉल्यूम आप इतों निकाल लवेंगे तो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन मल्टीपल 1000 कर देवे दैट इज़ ए 15/98 1000/90.9 सो सॉल्व करके 1.68 आ जाएगा सो ये आप मोलैरिटी निकाल दी। ठीक है नेक्स्ट आप गल करते हैं सैकेंड चैप्टर दैट इज़ इलैक्ट्रोकमिस्ट्री के बेसिकली ये भी न्यूमेरिकल ही आस किए जा रहे बार बार। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस of solution of MgCl2 at infinite dilution given that the molar conductance of magnesium 2 positive and Cl negative are this
वैल्यू, ठीक है। सो इधर नाल सानू वैल्यू दिती हुई है, तो मैगनीशियम एम जी सी एल टू द मोलर कंडक्टेंस दैट इज कैन बी रिटन एज एम जी टू पॉजिटिव प्लस टू मोलर कंडक्टेंस सी एल नैगेटिव आइन। सो इन दोनों की वैल्यू एम जी टू पॉजिटिव सी एल दी गिवन है, पुट करांगे इक्वेशन दे विच, सॉल्व करांगे तो वी विल गेट द आंसर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेल रिएक्शन इज टिन टू टिन पॉजिटिव 0.50 मोलर साल्ट विच एच पॉजिटिव 0.020 मोलर टू एच टू एंड कैलकुलेट द ई सेल ऑफ द रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट द नरनेस इक्वेशन। सो गिवन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन टू पॉजिटिव टू टिन दैट इज अ -0.414 वोल्ट एंड ई नोट एच पॉजिटिव टू एच दैट इज अ 0.00 वोल्ट। सो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन कैन बी रिटन एज टिन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन गिवन एज एच पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन टू एच टू। सो ओवरऑल रिएक्शन दैट इज अ टिन प्लस टू एच पॉजिटिव टिन टू पॉजिटिव प्लस एच टू और ई सेल कैन बी रिटन एज ई नोट एच पॉजिटिव टू एच माइनस ई नोट टिन टू पॉजिटिव टू टिन -0.059 ओवर टू लॉग कंसनट्रेशन ऑफ टिन टू पॉजिटिव एंड डिवाइड बाई एच पॉजिटिव आई इन द स्केयर, ठीक है जी। इन सारे वैल्यू पुट करा सोल्व करा एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है जी। नैक्सट है चैप्टर केमिकल कनेटिक्स, अगेन अमेरिकल बेस्ड है। फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज रेट कॉन्स्टेंट इज 4.93 मल्टीपल 10^-4 सेकेंड इनवर्स है टी हाफ बिकम इक्वल टू 0.693 ओवर के, ये द फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 140.5 सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट, कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन। पहले 20% कंप्लीट है तो वो आप के निकाल लवेंगे बाई यूजिंग द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग ए नोट ओवर ए, ठीक है जी। ये सारे की वैल्यू पुट करा ए नोट 100 ए आ जाएगा 100-20 80 एंड के सोल्व करा। सिमिलरली सेकेंड ए नोट बिकम इक्वल टू 100 एंड ए इक्वल टू 100-75 एंड टी हाफ फिर सोल्व कर लेंगे टी निकाल लेंगे दैट बिकम इक्वल टू 62.18 मिनट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टू थर्ड लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग के इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट है 5.48 मल्टीप्लाई 10^-4 सेकेंड इनवर्स है। सो ये इनिशियल कंसनट्रेशन ए है तो फाइनल कंसनट्रेशन टू थर्ड हाफ लाइफ टाइम हो रही है तो ए इज इक्वल टू ए -2 ओवर 3 ए बिकम इक्वल टू ए ओवर 3 आ जाएगी। सो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन सानू पता टी इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ए नोट ओवर ए, ठीक है। ये ए दी वैल्यू पुट करा ए नोट पुट करा तो टी टू थर्ड आप इतों निकाल लवेंगे दैट बिकम इक्वल टू 2.01 मल्टीपल 10^13 सेकेंड साढ़े को वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट असी गल करते हैं दैट इज़ द चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट टू मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर इज रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट थ्रो इट हैज़ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल वाई। कॉपर इन इट्स ऑक्सीजन स्टेट हैज़ अनपेड डी ऑर्बिटल, ठीक है। कॉपर दे कोल आपां देखते हैं कि चाहे कंप्लीटली होंगे जो कॉपर की आप टू पॉजिटिव है, ठीक है, जो कॉपर थ्री पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं तो ये को अनपेड इलेक्ट्रॉन शो हो जाते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन शो होने करके डी दे विच अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जिंक टू पॉजिटिव साल्ट आर वाइट, कॉपर टू पॉजिटिव साल्ट आर ब्लू, अगेन सेम आंसर सेम टाइप ऑफ आंसर बिकॉज जिंक टू पॉजिटिव हैज़ ए जिंक दैट इज़ ए 3d10, ठीक है, एंड जिंक टू पॉजिटिव 3d10 आ जाता। कॉपर टू पॉजिटिव साल्ट जोड़े दैट इज़ ए 3d9 आ जाता। 3d9 ये को अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये को अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नो डी ट्रांजिशन, हैंस जिंक टू पॉजिटिव साल्ट आर वाइट एंड कॉपर टू पॉजिटिव हैविंग ए d1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म डी ट्रांजिशन एंड दैट शो कलर, ठीक है। सी ए द करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट द प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैड इज मोर स्टेबल देन प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट ऑफ टिन, दिस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट दैट डाउन द ग्रुप लेसर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल, दिस द प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल फॉर लेड एंड देन टिन, ठीक है।
नेक्स्ट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर हाई सॉरी लो वाई सो बिकॉज देर इज नो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकॉज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन जिंक 3d10 कैडमियम 4d10 मर्क्यूरी 5d10 ठीक है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट सो एज द ऑल द इलेक्ट्रॉन आर अपियर्ड इन द कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल एंड ड्यू टू दिस द एलिमेंट्स जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मैग्नीज टू पॉजिटिव कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टू आर ऑक्सीजन स्टेट टू देयर +3 स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ मैग्नीज टू पॉजिटिव 3d5 विच इज हाफ फिल्ड एंड हेंस स्टेबल ठीक है इट्स थर्ड आयोनेशन थलपी इज वेरी हाई कि जेकर आप इलेक्ट्रॉन होर रिमूव करना चाहते क्योंकि d5 है हाफ फिल्ड है वैट इज़ वेरी वेरी हाई हो जाएगी सो इन टू d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज Fe2 पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कि 3d6 है इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन ईजली टू फॉर्म 3d5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट्स वाई मैगनीज टू पॉजिटिव कंपाउंड आर मोर स्टेबल दैन आयरन टू पॉजिटिव ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता वाई ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट द वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ N-1d एंड NS इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 बॉन्ड फॉर्मेशन एज द एनर्जीज ऑफ अल्टीमेट डी ऑर्बिटल्स एंड अल्टीमेट एस ऑर्बिटल आर नियरली सेम द सम टोटल ऑफ NS एंड N-1d अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिटरमिन द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोन करते हैं ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है द ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ठीक है वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरल हैव स्ट्रोंगर इंटर अटोमिक इंट्रैक्शन एंड हैंस स्ट्रोंगर बॉन्डिंग बिटवीन द एटम दिस स्ट्रोंगर बॉन्डिंग बिटवीन द एटम आर वेरी स्ट्रोंग एज रिजल्ट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है जी सो सिंपल जहाँ कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल के कोल एक ट्रांजिशन मेटल है दूसरी है दोनों को अनपेड इलेक्ट्रॉन दी हैव टेंडेंसी टू फॉर्म शेयरिंग कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है जिन्ना बॉन्ड स्ट्रोंग हो जाएगा उन्ना ब्रेक करना डिफिकल्ट है एंड हैंस दे हैव हाई इंटर अटोमिक इंट्रैक्शन एंड दे नीड हाई दे शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द लेंथेनाइड आर कॉल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि लेंथेनाइड आर लाई बिटवीन द लेंथेनम एंड हॉफनियम बिकॉज लेंथेनम हॉफनियम आर डिवलोक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट एज लेंथेनाइड एंड हैव ट्रांजिशन मेटल ऑफ डी ब्लॉक ऑन बोथ साइड्स दे आर ऑल्सो कोल्ड एज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इन्होंने कह दें आप ठीक है जी नेक्स्ट करते हैं कोआर्डिनेशन कंपाउंड के 2 मार्क्स करेंगे क्वेश्चन ठीक है जी डिफाइन एम्बीडेंटेड लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड की गल की जाए द मोनोडेंटेड लिगेंड विच कैन कोआर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर दैन वन साइड आर कोल्ड एज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड ठीक है जिद की है कि कोई भी लिगेंड है वो एक तो ज़्यादा साइड के थ्रू कोआर्डिनेट पॉइंट फॉर्मेशन कर सकता दैट इज़ कोल्ड एज ए एम्बीडेंटेड लिगेंड जिस तरह मेटल कार्बन के थ्रू भी कोआर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा नाइट्रोजन के थ्रू भी हो रहा है ठीक है दैट इज़ अ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड इज एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड ठीक है नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लेक्स आयन दैट इज़ ए चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन साइज ऑफ मेटल आयन बेसिक स्ट्रेंथ एंड साइज एंड चार्ज ऑफ लिगेंड चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन इन जनरल द ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ सेंट्रल आयन greater is the stability of complex size of metal ion as the size of metal ion decreases stability of complex increases smaller the size greater is the stability theek hai next that is a basic strength and more basic a ligand greater the ease with which it can donate its lone pair of electrons and therefore greater is the stability of complex theek hai ji next the size and charge of ligand for anion ligand higher the charge smaller the size more stable is the complex formed ठीक है next question है that is a write a difference between weak field and a strong field ligand ठीक है in case of weak field ligand the ligand with a small value of a CFSE crystal field separating energy is called as a weak field ligand a ligand with large CF value of CFSE crystal field separating energy अगर large होएगी that is a strong field ligand
इन दिस केस सी एफ एस इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है जी, डेल्टा नोट लैस दैन पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है, वीक फील्ड, तो ये स्ट्रोंोंग फील्ड के डेल्टा नोट ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी होएगा। द इन दिस केस द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डजन टेक प्लेस एंड फॉर्म्ड आउटर ऑर्बिटल और लो स्पिन कम्पलेक्स, ठीक है। इन स्ट्रोंोंग फील्ड इन दिस केस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एंड फॉर्म्ड इनर ऑर्बिटल और हाई स्पिन, इनर और हाई ऑर्बिटल स्पिन बन जाते, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड दे विच आ जाते हैं एफ सी एल बी आर आई, तो स्ट्रोंोंग फील्ड लिगेंड दे विच आ जाते हैं सी ओ सी एन नेगेटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट गल करते हैं द आयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सो इन दे आयूपैक नेम है जिस तरह पहले है सी ओ एन एच थ्री फोर टाइम वाटर टू सी एल थ्री, एंड द आयूपैक नेम कैन बी रिटन एज टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थ्री क्लोराइड, ठीक है जी। इसी तरह सेकेंड है क्रोमियम ईन थ्री एंड सी एल थ्री, सो इट कैन बी रिटन एज ट्रिस इथेन वन टू डाई अमाइन क्रोमियम टू थ्री क्लोराइड, ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज़ ए प्लैटिनम सी एल टू इन टू एन ओ थ्री ट्वाइस, दैट इज़ डाई क्लोराइडो विस इथेन वन टू डाई अमाइन ब्रैकेट क्लोज प्लैटिनम फोर नाइट्राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज़ ए के टू पी डी पी डी सी एल फोर, दैट इज़ ए पोटाशियम टेट्रा क्लोराइडो पैलेडेट टू, ठीक है जी। नेक्स्ट एफ ई फोर एफ ई सी एन सिक्स थ्राइस आयरन थ्री हेक्सा सयानाइडो फेरेट टू, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट राइट द यूजिंग आयूपैक नॉम टू ड्राइव द फॉर्मूला एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, सो पेंटा अमाइन नाइट्राइटो एंड कोबाल्ट थ्री, इट कैन बी रिटन हिज सी ओ एन एस थ्री फाइव एन ओ टू टू पॉजिटिव। सिमिलरली टेट्रा हाइड्रोक्सी दैट इज़ ए जिंक इट, ठीक है जी। सो इन्हों ये फॉर्मूला इसी तरह बाकी भी आप लिख सकते हैं। इन्हों के अगर किसी ने भी बच्चे आयूपैक नेमिंग दे विच कुछ दिक्कत आ रही है तो एक वीडियो स्पैशली कोआर्डीनेशन कंपाउंड के आयूपैक नेमिंग की बनी हुई है, प्लीज़ उन्होंने एक बार जरूर देख लो, थोड़ा सारे फैक्टर तो सारे चीज़ा क्लीयर हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, तो यू कैन ईजली राइट द नेम एज वैल एज फॉर्मूला ऑफ दिस कोआर्डीनेशन कंपाउंड, ठीक है जी। नेक्स्ट दैट इज़ ए चैप्टर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, सो ये गल करते हैं वाई डू अल्कोहल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैन हैलोकेन ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मासिस, द इंटर अटोम इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकुल ऑफ अल्कोहल आर स्ट्रोंगर, ठीक है जी। जो आप देखते हैं हाइड्रन बॉन्डिंग ऑन द अदर हैंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिकुल ऑफ हैलोकेन आर कंपेरेटिवली वीकर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रोंगर इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन अल्कोहल, अल्कोहल हैज़ हायर बॉयलिंग पॉइंट दैन हैलोकेन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, कि अल्कोहल दे विच हाइड वाटर दे नाल जिहड़ी हैगे मोलिकुलर इंट्रैक्शन लार्जर हुंदियां एज़ कंपेयर टू हैलोरीन, जिथे की है ओनली आर ग्रुप हुंदा, हाइड्रन बॉन्डिंग घट हुंदी है, इस करके जिन्हें हाइड्रन बॉन्डिंग ज़्यादा वो बॉयलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, इस करके अल्कोहल के बॉयलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर दैन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सिमिलरली अल्कोहल दे विच दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रन बॉन्ड, जिन्नी हाइड्रन बॉन्ड फॉर्मेशन है उन्नी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के आर ग्रुप ज़्यादा हो जाते, दैट इज़ नॉन पोलर पार्ट इनक्रीज़ हो जाता, उन्ना पोलैरिटी घट जाती है, हाइड्रन बॉन्डिंग घट जाती है, इस करके सोल्यूबिलिटी भी की है घट जाती है, ठीक है। राइट टू यूजेज ऑफ मिथेनॉल, इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट इन पेंट एंड वार्निशेज यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फॉर्मेल्डिहाइड बाई ऑक्सीडेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इथेनॉल, इट इज़ यूज इन पेंट इंडस्ट्री एंड एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। जिस तरह अजकल 20% इथेनॉल जी यूज़ की जा रही है पेट्रोल दे विच, ठीक है जी। नेक्स्ट है हाउ डज फिनोल रिएक्ट विद सोडियम, दैट इज़ फॉर्म ए सोडियम फिनोक्साइड एंड हाइड्रोन गैस द एवोल्यूशन, एंड विद नाइट्रिक एसिड दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए पिकरिक एसिड, ठीक है।
फिनोल विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दी प्रेजेंस विच 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल फॉर्मेशन हो जाती दैट इज कॉल्ड एज पिकरिक एसिड भी जिन्होंने कह दें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द ईथर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड। ईथर आर इनर्ट कंपाउंड बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर ओ एंड डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव साइड, ठीक है, देयरफॉर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन दे आर स्टेबल टू बेसिस डल्यूट बेसिस डल्यूट एसिड और अदर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, कोई भी एक्टिव साइड है, फ्री नहीं है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इस करके कहता कि ये रिएक्टिविटी बहुत घट होती है, दैट इज कॉल्ड एज इज ए इनर्ट इन नेचर। द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर लोअर दैन दैट ऑफ कोरसपोंडिंग आइसोमेरिक अल्कोहल। बॉयलिंग पॉइंट ईथर दे लो होंगे, ईथर आर वेरी लो, ईथर हैविंग लो पोलैरिटी, देयरफॉर डू नॉट शो एनी एसोसिएशन बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑन द अदर हैंड देयर आइसोमेरिक अल्कोहल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देयरफॉर द बॉयलिंग पॉइंट आर हायर। ठीक है, बॉयलिंग पॉइंट ईथर दे जिहड़े आ उह लो है दैन कोरसपोंडिंग अल्कोहल दे। देखो ईथर दे विच अगर देखा जाए तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं, बट अल्कोहल दे विच एक साइड अल्काइल ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है, दैट कैन ईजीली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसोसीएशन हो रही है, ईथर दे विच ना दे बराबर है, सो उहदे करके कहिंदा की है बॉयलिंग पॉइंट हाई हो जाते आइसोमेरिक अल्कोहल दे। नैक्सट चैप्टर है साढ़े को, दैट इज़ ए एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट है दैट इज मोस्ट एरोमेटिक एसिड आर सॉलिड वाइल एसिटिक एसिड एंड अदर एसिड ऑफ दीज सीरीज आर लिक्विड। एरोमेटिक एसिड आर सॉलिड ड्यू टू द लो वोलेटाइल इन नेचर बट एसिटिक एसिड एंड अदर एसिड ऑफ दीज सीरीज आर लिक्विड बिकॉज दे आर हाईली वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, इन्हें वोलेटाइल नेचर के उत्ते डिपेंड है सारा कुछ। नेक्स्ट है वाई डू एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव हाई डाइपोल मोमेंट। एल्डिहाइड एज द ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन एल्डिहाइडिक कीटोन शो रेजोनेंस, सो ये की आ पोलैरिटी आ जाती है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा, कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ऑक्सीजन के नैगेटिव, इट फॉर्म ए डाइपोलर स्ट्रक्चर है, सो दैट्स वाई इट हैज़ ए हाई डाइपोल मूवमेंट है। डाइपोल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डाइपोल मूवमेंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन क्योंकि दोनों के कोल कीटो फॉर्म होंगी है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। द डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग द टोलन रेजेंट टेस्ट। एल्डिहाइड विल रिड्यूस टोलन रेजेंट टेस्ट एंड एल्डिहाइड इज रिएक्ट विद टोलन रेजेंट सिल्वर अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट इज ए जी एन एच थ्री ट्वाइस ओएच नैगेटिव आइन। सो ये अमोनियम एसीटेट प्लस टू ए जी सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो जाता दैट इज कॉल्ड एज ए सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह दें। तो एल्डिहाइड ओनली विल गिव द टोलन रेजेंट और सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, कीटोन ये नहीं टेस्ट देंगे। नेक्स्ट इज वट इज़ ए फॉर्मलिन सोल्यूशन एंड इट्स यूज ए 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज कॉल्ड एज ए फॉर्मलिन एंड इट इज यूज टू प्रजर्विंग द बायोलॉजिकल स्पेसिमन एंड डिसइनफेक्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है हाउ डज सी डबल बॉन्ड सी एंड डिफर फ्रॉम कीटो ग्रुप इन द केमिकल रिएक्शंस। द कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एंड एल्कीन कंटेन सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है ग्रुप, ऑन रिडक्शन द कार्बोनाइल फर्स्ट गिव अल्कोहल एंड एल्कीन गिव द अल्केन। ठीक है, दोनों के अलग अलग रिएक्शन है। सेकेंड है द हैलोजन एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो एडिशन रिएक्शन विद अल्कीन बट नॉट विद द कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, अगर हैलोजन एड किए जाने हैलोजन एसिड या वो सल्फ्यूरिक एसिड है दैट विल फॉर्म ए एडिशन रिएक्शन अकर कर दिया तो अल्कीन इदा का नहीं करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड आर डाइमर इन नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड इन एनहाइड्रस स्टेट वैन डिजोल्व इन सम नॉन एक्को सोलवेंट एग्जिस्ट एज शोन बिलो आर सी ओ एच दैट विल फॉर्म ए डाइमर। टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनदियाँ पई हैं ड्यू टू इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सो स्ट्रोंग एंड इट डज नॉट ब्रेक ईवन इन द वेपर स्टेट। ठीक है, ब्रेक नहीं करते पे एंड इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन फॉर्म। नेक्स्ट है वाई आर द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हायर दैन दैट ऑफ कोरसपोंडिंग अल्कोहल्स। ठीक है,
एज वी नो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल बोथ हैव इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देयर मॉलिक्यूल द ओएच बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर पोलराइज देन इन द अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिड इज मोर एज कंपेयर टू अल्कोहल अगर एसिड देखते हैं तो एसिड के दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनते पे है ठीक है अल्कोहल दे विच एक सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता पे ठीक है सो इसे करके कहिंदा जिहड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है डाइमर एग्जिस्ट करता पे एंड हायर बॉयलिंग पॉइंट है वो ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा है ठीक है तो बट अल्कोहल दे कोल घट है इस तरह एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग कार्बन एटम अप टू द फोर आर सोल्यूबल इन वाटर बट सोलबिलिटी ऑफ एसिड विद डिक्रीज विद इनक्रीज द कार्बन एटम दिस इज ड्यू टू द इनक्रीज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कि वो अगर आर ग्रुप बढ़ जाता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज कर जाएगी फिर सोलबिलिटी भी घट जाएगी ठीक है नेक्स्ट है वाई क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड दैन एसिडिक एसिड क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड दैन द एसिटिक एसिड ठीक है इन एसिटिक एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द CH3 ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द एसिटिक एसिड वाइल इन क्लोरो एसिटिक एसिड दे विच की है कहिंदा एसिटिक एसिड दे विच देखो तो क्लोरो एसिटिक एसिड दे विच Cl जिहड़ा हैगा दैट इज़ ए इलैक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है दैट विल विदड्रा इलैक्ट्रॉन टू वाइड इटसैल्फ ये सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रॉन एसिटी अपने वाल खिंचूगा ये खिंचूगा इट मीन ऑक्सीजन के नाल बॉन्ड के जिहड़े हाइड्रोजन है वो भी अपने वाल खिंचूगा तो OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ब्रेक कर जूगा दैट विल एच पॉजिटिव एंड ईजली बन जाएंगे इट मीन एसिडिक नेचर शो कर जाएगा बट दूसरी साइड एसिडिक एसिड के देखा जाए तो CH3 मिथाइल ग्रुप लगे हुआ है वो प्लस इफेक्ट शो करेगा दैट विल इनक्रीज द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इनक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक नहीं होएगा अगर वीक नहीं होएगा तो ब्रेक भी नहीं होएगा ठीक है जी सो दैट्स वाई क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड नेक्स्ट गल करते हैं ऑरगैनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड चैप्टर दी ठीक है जी विच इज़ मोर बेसिक एलिफेटिक अमाइन और अमोनिया अगर एलिफेटिक अमाइन की गल देखी जाए तो प्राइमरी अमाइन आर तो ये अमोनिया का फॉर्मूला अमोनिया दे विच नाइट्रोजन ते एलिफेटिक अमाइन दे विच दोनों दे विच नाइट्रोजन दे को लोन पेयर अवेलेबल इट मीन बोथ आर बेसिक इन नेचर बट आर ग्रुप एक दे विच आर ग्रुप है तो एक दे विच तिन्ने हाइड्रोजन है आर ग्रुप दैट इज़ ए प्लस इफेक्ट इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट है ठीक है दैट विल इनक्रीज द इलैक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इट मीन नाइट्रोजन ते अवेलेबिलिटी जी इलैक्ट्रॉन की है लोन पेयर की वो ज़्यादा तो ज़्यादा होएगी जेकर आर ग्रुप लगेगा इट मीन वो बेसिक करैक्टर जोड़ा वो वधदा जाऊगा बट अमोनिया के इदा का कोई ग्रुप नाल नहीं लग्या है ठीक है सो इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ अलकाइल ग्रुप स्टेबिलाइज द अलकाइल अमोनियम आयन फॉर्म्ड एंड हैंस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मेकिंग द अलकाइल अमाइन मोर स्टेबल मोर स्ट्रोंगर बेस दैन अमोनिया इस करके स्ट्रोंगर बेस बन जाता गा एलिफेटिक अमाइन ठीक है जी नेक्स्ट है वाई डू प्राइमरी अमाइनस हैव हायर बॉयलिंग पॉइंट दैन टर्शरी अमाइन सो अपना ये अमाइन की गल करते हैं NH3 है प्राइमरी अमाइन है सेकेंडरी है टर्शरी है तिना की गल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाइन एन प्रोपाइल अमाइन हैव हाईएस्ट बॉयलिंग पॉइंट वाइल टर्शरी अमाइन हैज़ लोएस्ट बॉयलिंग पॉइंट दिस इज बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट एक्सटेंसिव इन प्राइमरी अमाइन ठीक है आर एन एच ये कोल इत्थे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है ठीक है इधर भी बन सकती है इट मीनस प्राइमरी अमाइन दे विच दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है बट टर्शरी अमाइन दे विच कल्ला एक नाइट्रोजन है कोई भी हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन दे नाल नहीं अटैच हैगा डायरेक्टली इस करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत घट है ना दे बराबर है ठीक है सो द बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट एक्सटेंसिव इन प्राइमरी अमाइन विच इज़ टू हाइड्रोजन आर डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन एटम ठीक है टेक पार्ट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रोजन एटम as we know that hydrogen bonding leads to the stronger intermolecular forces and hence higher boiling point so boiling point jehde primary amine de sab to zyada honge theek hai ji next question aa janda out of ammonia and ethyl amine which is more basic so ede vich jadon gal karde ha ethyl amine te ammonia ethyl amine de vich ki again plus effect hai ga इनक्रीज़ करेगा इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन तो अवेलेबिलिटी इलैक्ट्रॉन की ज़्यादा होएगी जिनी ज़्यादा हो जाएगी उन्ना बेसिक करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा अमोनिया दे विच हाइड्रोजन ही लगे कोई अनदर ग्रुप नहीं लगे हुआ ठीक है जी सो इन बेसिक करैक्टर आप डिस्कस कर सकते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन? अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज गिवन बाई ओनली प्राइमरी अमाइंस आर एन एस टू, प्राइमरी अमाइन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्यू एच डेट विल फॉर्म में आइसोसाइनाइड आर एन सी बनता पाया, आर एन सी दैट इज आइसोसाइनाइड, दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डाइएजोटाइजेशन, इट इज़ ए रिएक्शन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन टू डाइजोनियम साल्ट बाई ट्रीटिंग इट विद आइस कोल्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट विद डिल्यूट एच सी एल, सोडियम नाइट्राइट विद एन एच सी एल दैट विल फॉर्म एन ए सी एल एच ओ एन ओ नाइट्रस एसिड, तो फर्दर एनिलीन जो नाइट्रस एसिड तो एच सी एल ने ट्रीट कर दें दैट विल फॉर्म ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज कोल्ड एज ए डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कह दें आप। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता चैप्टर दैट इज ए बायोमोलीक्यूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल यूज ऑफ विटामिन ए एंड विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनोल नाइट ब्लाइंडनेस डेफिशिएंसी डिजीज, रोल एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर विजन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थी स्किन। ठीक है, नेक्स्ट आई डिस्क्राइब द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ विटामिन सी, इट गिव्स एंड गिव्स टू फाइट डिजीज एंड इन्फेक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द हेल्दी गम एंड टीथ दिल्ली फंक्शन हेल्प करता, एंड नेक्स्ट रोल द फंक्शन ऑफ विटामिन डी, इट हेल्प इन कीपिंग द बोन एंड टीथ हेल्दी। ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू फाइट द कॉमन इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन डी विच डिजीज इज कॉज बाई डेफिशंसी। ठीक है, विटामिन डी है केमिकल नेम दैट इज ए अर्जो कैल्सीफिरोल एंड डेफिशंसी डिजीज दैट इज ए रिकेटस। वट इज़ अ म्यूटेशन, द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन सोल्यूशन विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड एज ए म्यूटा रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, वट इज़ पेप्टाइड बॉन्ड, ए गिवन एग्जाम्पल पेप्टाइड है द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ एन वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड कंडेंस टू गिव ए रिमूवल ऑफ वाटर एंड रिजल्टिंग सी यू एन एच बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज ए पेप्टाइड बॉन्ड कह दें। इस तरह दो अमाइन है, अमाइन ग्रुप है, जो आपस ज्वाइन करेंगे एच टू ओ सॉरी वाटर की रिमूवल हो जाएगी तो सी यू एन एच बॉन्ड है दैट इज ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वट इज डी नेचुरल प्रोटीन, द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन इज कोल्ड एज ए नेटिव स्टेट, प्रोसेस विच कैन चेंज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन विदाउट अफेक्टिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, जो भी फिजिकल तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज कर जान विदाउट अफेक्टिंग केमिकल कंपोजिशन विदाउट अफेक्ट किए दैट इज कोल्ड एज ए डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ड्यूरिंग डी नेचुरेशन द प्रोटीन मॉलिक्यूल अनकॉइल फ्रॉम ए ऑन ऑर्डर स्पेसिफिक कन्फर्मेशन इन टू द रेंडम कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा, द प्रोटीन सो ऑबटेन इज कोल्ड एज ए डी नेचुरल प्रोटीन, एंड रेगुलेशन ऑफ एग वाइल ऑन हीटेड कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ए प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी नेचुरल प्रोटीन। ठीक है जी, नेक्स्ट साढ़े को डिफरेंस बिटवीन एनजाइम एंड कैटलिस्ट, एनजाइम आर हाईली स्पेसिफिक एंड कैटलिस्ट आर नॉट सो स्पेसिफिक, एनजाइम आर हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट वेरियस रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर इनक्रीज और डिक्रीज कर सकते, नो एफिशिएंट नॉट सो एफिशिएंट कैटलिस्ट, जेडे एनजाइम है दीज वर्क बेस्ट इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ पीएच 7 है उत्थे बेस्ट हो जाएगा, एंड ऑर्डिनरी कैटलिस्ट जनरली रिक्वायर पीएच नॉट इक्वल टू 7, हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर रिक्वायर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, द शुगर मॉलिक्यूल इज टू डी ऑक्सीराइबोज आरएनए राइबोज एंड इट अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, आरएनए इट इज अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, आर डीएनए इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, आरएनए इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स, डीएनए इट कंटेन साइटोसाइन एंड थायामिन एंड आरएनए इट कंटेन साइटोसाइन एंड जुरासिल पिरिमिडिन एज ए पिरिमिडिन बेसिस। ठीक है, डीएनए दैट इज़ अ नाइट्रोजनस बेसिस, जुरासिल इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आरएनए दे विच थायामिन इज़ नॉट प्रेजेंट। ठीक है जी, डीएनए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लीकेशन, आर एन ए दे कोल नहीं है रेप्लीकेशन प्रॉपर्टी, डी एन ए मॉलिक्यूल आर वेरी लार्ज, आर एन ए इज स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड,
इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड देर इज प्रेजेंस ऑफ थ्री कंपोनेंट, बेस शुगर एंड फॉस्फेट, एंड इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड दो कंपोनेंट होंगे। न्यूक्लियोटाइड जड़े है एसिडिक इन नेचर, दीज आर बेसिक इन नेचर। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, हेयर बेस एंड शुगर ओनली। ठीक है जी। एंड लास्ट, वाई कांट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी नू स्टोर क्यों नहीं कर पाते अपना? बिकॉज विटामिन सी बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल इन नेचर एंड दे कैन बी रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड हैंस कैन कांट बी स्टोर इन द आवर बॉडी। ठीक है, यूरिन के थ्रू वाटर सोल्यूबल होने करके एक्सक्रीट कर जाते, तो इस करके इन्हों आप स्टोर नहीं कर सकते बॉडी के। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी मस्ट देयर फॉर बी ऑब्टेन थ्रू डाइट आर नोन एज असेंशियल अमाइनो एसिड। लाइसिन है, वैलिन है, लूसिन है। ठीक है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है विच कैन बी सिंथेसाइज इन इन द बॉडी आर नोन एज ए नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन है, एलेनाइन है, प्रोलिन है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर रिड्यूस फैलिंग सोल्यूशन टोलन रेजेंट टू सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, रेड पीपीटी इन फैलिंग सोल्यूशन दैट आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच डज नॉट गिव टेस्ट विद टोलन रेजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन दैट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। नेक्स्ट, वट आर अल्फा अमाइनो एसिड। अल्फा अमाइनो एसिड प्रोटीन अकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड फॉर्म ए फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड आर एन अल्फा अमाइनो एसिड हैज़ एन अमाइनो ग्रुप एज अ अल्फा कार्बन एटम बिलो कार्बन हैविंग हाइड्रोजन एंड एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज ए अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाल वाला कार्बन दैट इज़ ए अल्फा कार्बन, तो नाल वाली कार्बन दैट इज़ ए अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस इन विच वेरियस अमाइनो एसिड आर अरेंज इन टू ए प्रोटीन इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन डिटर्मिन इट्स फंक्शन एंड इज क्रिटिकल टू इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ गिव्स द मैनर इन विच द प्रोटीन चेन आर फोल्डेड। इट अराइज फ्रॉम द प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द रीजन ऑफ बैकबोन ऑफ अनदर। सो इस तरह अपना जोड़े टू मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन वाले चैप्टर जोड़े है चैप्टर वाइज रिविजन की है, टू मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन। ठीक है जी। सो आई होप सारे बच्चों ने इसको इंजॉय किया होगा तो लर्न भी किया होगा। सो उम्मीद करते हैं कि फुल दे फुल मार्क्स तुसी गेन करो। सो ऑल द बेस्ट।